अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब हम लोगों ने एंडोक्रिनोलॉजी में थायराइड ग्लैंड से जो आते थे टॉपिक्स को पूरे कर लिए, यही वाले आते हैं और कुछ भी नहीं आता होता। यहाँ पर आपकी मेडिसिन में कभी भी थायराइड कार्सिनोमा, थायराइड नोड्यूल्स ये नहीं पूछते, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आपके पास जो शॉर्ट बुक है आप उसे जरूर रीड कर लें, क्योंकि एमसीक्यू आ सके। एंड आई हैव नो टाइम कि मैं हर टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में कराऊं। जो आते थे बहुत ज्यादा आते हैं, जिनमें से एमसीक्यू ज्यादा आते हैं हमने कवर करनी है। पैराथायराइड ग्लैंड पे आ जाते हैं और पैराथायराइड ग्लैंड आपको पता है कि आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड के साथ ये अटैच्ड, उसके पीछे चार ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे से, जिनका मेन काम होता है टू प्रोड्यूस पैराथायराइड हार्मोन, जिसको पैराथ हार्मोन भी कहते हैं। और वो पैराथायराइड हार्मोन का काम ही होता है कि वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स को इंक्रीज करा देते हैं, ठीक है, ब्लड में। और एज अ रिजल्ट बॉडी में मतलब हाइपर कैल्सीमिया तो नहीं कराता, वो तो नॉर्मल करवाता है ना, मतलब ये कि कैल्शियम का लेवल बॉडी में ब्लड में बढ़ जाएगा और बोन्स में से रिजॉर्ब करके कम करेगा, ठीक है, बोन को डिक्रीज करता है। तो ये होता है हमारे पैराथायराइड हार्मोन का काम। तो अभी हमने बिफोर स्टार्टिंग पैराथायराइड हार्मोन हम जनरली पढ़ेंगे हाइपर कैल्सीमिया को और हाइपोकैल्सीमिया को, क्योंकि ये आपका जब एसिड बेस बैलेंस भी आपने नेफ्रोलॉजी में पढ़े ना, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड बेस बैलेंस में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती है, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपो हाइपरकैल्सीमिया, उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया के क्वेश्चन आते हैं। और वैसे भी यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैराथायराइड हार्मोन से इसकी रेगुलेशन रिलेटेड है, तो हम इसको यहीं पर पढ़ेंगे, हाइपरकैल्सीमिया को भी और हाइपोकैल्सीमिया को भी। बहुत ही आसान सी बातें हैं, उसको चीजें और आपके पास आपको बहुत आराम से डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो जाते हैं। इसमें कोई मुश्किल बात होती ही नहीं, क्योंकि इतनी डेफिनेट सी इसके साइन सिम्टम्स है कि आपको कोई मसला नहीं होता। अच्छा, हाइपरकैल्सीमिया जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले वी शुड नो कि नॉर्मल कैल्शियम लेवल ब्लड में कितना होता है। सो आपके ब्लड में नॉर्मल कैल्शियम की एक जो अंदाजन रेंज आपने ध्यान रखनी है, वो है 8.5 से 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अब वही बात है, आप यहीं पर लिखेंगे देखेंगे तो आपको लिखा हुआ रहेगा 8.6 से 10.3, कुछ जगहों पर लिख देते हैं 8.5 से 10.4, तो ये जरा जरा सी वेरिएशन इज नॉर्मल। तो इतना अंदाजा ये कि 10.5 तक अपर रेंज रहती है इसकी। अगर 10.5 से ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरकैल्सीमिया में चला जाएगा, 8.5 से कम हो जाएगा तो हाइपोकैल्सीमिया में चला जाएगा, ठीक है। तो अब वो हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया था, वो तो जब 10.5 से एक्सीड कर चुका हो ब्लड कैल्शियम लेवल। अब हाइपरकैल्सीमिया मेरी बात है कि बहुत कॉमन सी पैथोलॉजी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अनकॉमन हो, और इसके कुछ डेफिनेट से कॉजेज है। आपको पता है कि बॉडी में ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट कर रहा है पैराथायराइड हार्मोन, तो इस वजह से जब हम कॉजेज बात करते हैं कि हाइपरकैल्सीमिया क्यों हो गया, तो उसके कॉजेज में हमारे पास कुछ कॉजेज होते हैं जो कि पैराथायराइड हार्मोन की एक्सेस की वजह से, क्योंकि ये ज्यादा हुआ था तो हमारे पास कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो, कुछ ऐसे होते हैं। और कुछ ऐसी चीजें जिसमें कैल्शियम का लेवल अपने किसी और मसले की वजह से ज्यादा हुआ है और रिजल्टेंटली पैराथायराइड हार्मोन सप्रेस हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि उसे नजर आ रहे पहले ब्लड में कैल्शियम बहुत ज्यादा है तो वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो पहले वो देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी चीजें जिसमें पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा है, जिसकी वजह से कैल्शियम ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले वी हैव कि कोई पैराथायराइड ग्लैंड एडिनोमा बन जाए। एडिनोमा बनेगा, वो बताया एडिनोमा इज अ बेनाइन ट्यूमर, वो क्या करेगा, वो एक्सेसिव पैराथायराइड हार्मोन बनाएगा। जितना ज्यादा पैराथायराइड हार्मोन बनेगा उतना ही ब्लड में जाके कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता जाएगा डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज हो जाती है पैराथायराइड एडिनोमा, इसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, ठीक है, ये भी आगे भी हम पढ़ेंगे दोबारा। उसके अलावा होता है एक चीज होती है जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत अरसे से हाइपोकैल्सीमिया चल रहा था, कैल्शियम का लेवल बॉडी में बहुत अरसे लो चल रहा था, वो लो कैल्शियम लेवल जो है वो हमारे पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता रहा कि जल्दी करो पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करो ताकि कैल्शियम का लेवल बॉडी में नॉर्मल हो जाए। जाहिर सी बात है लो कैल्शियम लेवल जब भी होगा वो पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। अब क्या हुआ कि जब बहुत अरसे तक लो कैल्शियम लेवल रहा और बहुत अरसे तक ग्लैंड स्टिमुलेट होता रहा, तो ग्लैंड में रिजल्टेंटली उसके अंदर कोई एडिनोमा बन गया। अब क्या हुआ है कि अब पैराथायराइड हार्मोन इतना सिक्रीट हो रहा है कि कैल्शियम नॉर्मल हो गया, लेकिन एडिनोमा क्योंकि बन चुका है तो अब पीटीएच ज्यादा आने लग गया, जरूरत से ज्यादा आ रहा है, तो हाइपरकैल्सीमिया हो गया। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट में एडिनोमा की वजह से ही हाइपरकैल्सीमिया हो रहा होता है, लेकिन पहले बहुत अरसे का हाइपोकैल्सीमिया होता है जिसकी वजह से एडिनोमा बना होता है। इस तरह के हाइपर पैराथायराइडिज्म को, क्योंकि रिजल्टेंटली हो तो हाइपर पैराथायराइडिज्म ही रहा है ना, इसको हम कहते हैं टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। ये भी आपने याद रखना है, प्राइमरी क्या है कि कोई हाइपोकैल्सीमिया नहीं था, कैल्शियम के लेवल से कोई ताल्लुक नहीं है, बस एडिनोमा बना और उसकी वजह से कैल्शियम ज्यादा हो गया। टर्शरी होता है पहले हाइपोकैल्सीमिया था, बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन रही, उसकी वजह से एडिनोमा बना, उसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो गया, तो ये होता है टर्शरी। ये दोनों बहुत मेजर कॉजेज हैं, इनको आपने नहीं भूलना। उसके अलावा फिर आपके पास एक कॉज आती है कि लिथियम जो ड्रग है वो कैल्शियम
के लेवल को बॉडी में इंक्रीज करा देती है, क्योंकि इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन हो जाता है, ठीक है। लिथियम जाके पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, तो लिथियम एक कॉज कर सकती है, यहाँ पे एमसीक्यू आता होता है। और एक आपके पास जेनेटिक डिजीज होती है, जिसको कहते हैं फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया, जिसमें होता है ये कि ब्लड में तो कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है लेकिन यूरिन में नहीं होता, उसमें हाइपोकैल्सीयूरिया होता है। यूरिन में कैल्शियम जो है वो लो होता है, हाइपो होता है, ठीक है, और ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है। ये जेनेटिक एक डिजीज होती है, बहुत रेयर है, जरूरत नहीं है बस, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीजें जिसमें पैराथायराइड ग्लैंड बेचारे का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, कैल्शियम खुद ही ज्यादा हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है मैलिग्नेंसीज, जितनी आपकी मैलिग्नेंसीज है, किसी जगह पर आपका कैंसर होता है, कैंसर इज रिलेटेड टू इंक्रीज सेल टर्नओवर, और जब भी इंक्रीज सेल टर्नओवर का मतलब है कि सेल जरूरत से ज्यादा बन रहे होते हैं ना, कैंसर में होता है कि इंक्रीज्ड एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, तो वो इंक्रीज्ड सेल टर्नओवर रिजल्टेंटली हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि सेल्स जो नए बन रहे होते हैं वो उनमें बहुत सारे सेल्स पुराने टूट रहे होते हैं, उसकी वजह से कैल्शियम रिलीज हो रहा होता है। तो मैलिग्नेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास आपको पता है कि कैल्शियम के लेवल को बॉडी में ब्लड में इंक्रीज करने के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन डी जिन कंडीशन में इंक्रीज हो जाए बॉडी में बहुत ज्यादा उनमें हो जाता है। थायरोटॉक्सिकोसिस, पेगेट्स डिजीज है, थायराइड डायरेटिक्स है, थायराइड डायरेटिक्स किडनी में रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ज्यादा कर देते हैं, सिक्रीशन नहीं होने देते, सॉरी एक्सक्रीशन नहीं होने देते। तो बहरहाल ये थोड़े बहुत रेयर से कॉजेस हैं, इनको भी आपने देख लेना है, मैंने बोल दिए जितने थे, ठीक है, यही है। इसमें क्या होगा कि पैराथायराइड बेचारा सप्रेस हुआ रहेगा, और जो जगह गलत काम करे, जैसे थायराइड डायरेटिक्स हमने दिए हुए हैं या थायरोटॉक्सिकोसिस है, जो थायराइड हार्मोन है वो बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी आपका कैल्शियम का लेवल एबनॉर्मल हो जाता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड हर जगह के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहा होता है। तो ये होते हैं विद डिक्रीज प्रेजेंट, ये आपसे पूछते होते हैं, इसमें मैंने टाइम इस वजह से लगाया क्योंकि आपके पास पूछते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। अब आपके पास क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, बहुत ही टिपिकल से सिनेरियोस होते हैं, बहुत ही टिपिकल। इसमें हाइपरकैल्सीमिया के ना कुछ टिपिकल फीचर्स, सबसे पहले पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया, आपका यूरिन और प्यास दोनों बढ़ जाती है, प्यास भी ज्यादा लगती है, यूरिन भी ज्यादा आती है। जब आते हैं आपके पास सिनेरियो और उसमें लिखते हैं पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया, पहली चीज आपके ध्यान में आती है कि पेशेंट डायबिटीज का होगा, लेकिन उसके साथ जब आपको बता रहे हैं कि पेशेंट को साथ पेन इन द रीनल एरिया, रीनल कॉलिक है और रीनल स्टोन्स की हिस्ट्री है, बार बार रिकरेंट रीनल कैल्कुला या रीनल स्टोन्स की हिस्ट्री है एंड रीनल कॉलिक है, उसके साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है। अब ये चीजें जब आती हैं तो बिल्कुल आपके जहन डाइवर्ट हो गया डायबिटीज से और आ गया है हाइपरकैल्सीमिया की तरफ, क्योंकि डायबिटीज में ना कॉन्स्टिपेशन का कोई ताल्लुक है और ना ही रीनल कॉलिक है। बेशक डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है लेकिन उसके साइन सिम्टम्स और तरह के होते हैं, रीनल कॉलिक नहीं होती। जो कॉलिक की पेन ऑफ किडनी है वो इस वजह से हो रही है कि स्टोन बना हुआ है, स्टोन कर रहा है पेन, ठीक हो गया। अच्छा, रीनल कॉलिक, उसके साथ उसको लिथार्जी, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ आते हैं पेशेंट को पेप्टिक अल्सर्स है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल क्या करते हैं कि आपके स्टमक में अल्सर कर देते हैं, तो पेप्टिक अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ यानी हेमाटेमेसिस, ठीक है, और बहुत सवेर होता है, तो फिर उसका डिप्रेशन और ड्राउजीनेस हो जाती है और वो कोमेटोस की स्टेट में चला जाता है। आपने अब ये बातें जहन में रखनी है, ये आपके बार बार लीक लेने वाले फीचर्स आएंगे। इन्वेस्टिगेट आपने किस तरह से करना है, आपके पास पूछेंगे भी आपसे साइन सिम्टम्स तो यही है आएंगे, आपके पास लिखे हुए सिनेरियो में यही आएंगे, साथ वो आपको एक बहुत लंबी चौड़ी सी दे देंगे कि उसका ब्लड सीपी कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, उसमें तकरीबन सब कुछ नॉर्मल होता है, सिवाय इसके कि बहुत हुआ तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कोई एबनॉर्मल हो, लेकिन वो भी ज्यादातर नॉर्मल ही होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज वहां पर आपने देखनी है वो ये कि कैल्शियम कितना है, कैल्शियम हमेशा 12-13 इस तरह होगा हाइपरकैल्सीमिया में, और उसके साथ आपकी यूरिन आरी की जो रिपोर्ट होगी उसमें उन्होंने दिखाया हुआ होगा कि प्रोटीन्स भी पॉजिटिव है यूरिन में, आरबीसीज भी आ रहे हैं और डब्ल्यूबीसीज। अब ये चीज क्या शो कर रही है कि यूरिन में सॉरी किडनी में कहीं ना कहीं डैमेज है, जिसकी वजह से यूरिन आरी में आपके प्रोटीन्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल वो डैमेज क्यों हो रहे हैं, दो वजह से हो सकता है, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से स्टोन बन सकता है जो डैमेज करे, हाइपरकैल्सीमिया डायरेक्ट आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स में जाके कैल्शियम की डिपोजिशन कर देती है, जिसको हम कहते हैं नेफ्रोकैल्सिनोसिस, वो नेफ्रोकैल्सिनोसिस की वजह से आपकी ट्यूब्यूल्स जो किडनी की हैं वो सही से फंक्शन नहीं करती, और उसके रिजल्ट में भी बहुत सारी ये चीजें आ जाती हैं, और उसके अलावा आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स भी एबनॉर्मेलिटी होती है, आपकी यूरिन में एक्सेसिव क्लोराइड आने लग जाता है, ठीक है, उसके अलावा हो सकता है सोडियम ज्यादा आने लग जाए बिकॉज ऑफ द नेफ्रोकैल्सिनोसिस। तो बहरहाल आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं देंगे, लेकिन ये सिम्टम्स के पेशेंट प्रेजेंटेड हुई विद अ हिस्ट्री ऑफ विद अ कंप्लेन ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ एंड हेमाटेमेसिस अलोंग विद पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया एंड कॉन्स्टिपेशन एंड रीनल कॉलिक, शी हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट पैसेज ऑफ रीनल स्टोन्स इन हर वो जो होता है अपना यूरिन, और क्योंकि रीनल स्टोन्स तो नहीं होती, वो कहते हैं कि रेत की तरह कोई चीज आ रही होती है, ठीक है। ऑन इन्वेस्टिगेशन या फिर वो ये सब ऑन इन्वेस्टिगेशन ही बताएंगे, हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल,
सी वो बाकी सारी चीजें इज नॉर्मल, कैल्शियम इज 12.1 और उसके अलावा यूरिनरी की रिपोर्ट ऐसी, ये सिनेरियो है। अब जाहिर इसमें पैराथायरॉइड हार्मोन का कहीं ताल्लुक नहीं है, हमें नहीं पता कि किस वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है, हमें इस तरफ कोई गाइडेंस नहीं मिली कि कोई पैराथायरॉइड हार्मोन की वजह से हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम सिंपल लिखेंगे हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म और तरह से आता है, ये सिंपल हाइपरकैल्सीमिया। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, सीरम पैराथायरॉइड हार्मोन सबसे पहली कराएंगे, क्योंकि मोस्टली केसेस जो हाइपरकैल्सीमिया के होते हैं उसमें पैराथायरॉइड हार्मोन की एबनॉर्मलिटी होती है। अगर ये ज्यादा आपको मिल गया तो आपके पास ये तीन कॉजेज ध्यान में आ जाएंगी, एडिनोमा, लिथियम या फेमिलियल डिजीज। ठीक है, उसको फिर आपने किस तरह से रूल आउट करना है, अगर सीरम पैराथायरॉइड हार्मोन हाई मिल गया तो एडिनोमा के लिए आप क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, आपको एडिनोमा मिल जाएगा। लिथियम की अगर कोई इनटेक है तो उसकी ड्रग हिस्ट्री होगी पेशेंट की, अगर उसका फेमिलियल डिजीज है तो उसमें फिर आप करवाएंगे यूरिनरी कैल्शियम। नॉर्मल हाइपरकैल्सीमिया में हमेशा यूरिनरी कैल्शियम इंक्रीज्ड होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल हाइपरकैल्सीमिया होगा तो यूरिनरी कैल्शियम इंक्रीज होगा, लेकिन जो फेमिलियल हाइपरकैल्सीमिक हाइपोकैल्सी यूरिया है उसमें यूरिनरी कैल्शियम डिक्रीज होता है, तो इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया था जब हमें सीरम पैराथायरॉइड हार्मोन ज्यादा मिला था। अब अगर ये कम मिल जाए इसका मतलब है कोई और कॉज होगी जो हमने बाकी साइड, तो सबसे पहले हमने मेलेग्नेंसी सोचना है, उसके लिए आप क्या पहले क्या करा लें, प्लाज्मा फॉस्फेट और अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स, इससे पता चलता है कि जनरली बोन का टर्नओवर कितना हो रहा है और विटामिन डी कितना काम कर रही है। ठीक है, यूरिनरी कैल्शियम तो आपने कराने ही कराना, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो नॉर्मली हर तरह के हाइपरकैल्सीमिया में ज्यादा ही होते हैं एक्सेप्ट एफएचएच। ठीक है, अगर एफएचएच है तो आपने स्क्रीन करना है सारी फैमिली को कि उनमें कितनों में हाइपरकैल्सीमिया है। अच्छा, चेस्ट एक्सरे, माइलोमा स्कैन और सीटी स्कैन, अब ये तीनों आ जाते हैं मेलिग्नेंसीज के लिए। चेस्ट एक्सरे में भी आपने देखना है कोई मेटास्टेसिस तो नहीं है किसी और जगह के, माइलोमा स्कैन का मतलब है कि बोन स्कैन आप कराते हैं कि उसमें स्क्रीनिंग कराते हैं आप माइलोमा के लिए, बोन मैरो बायोप्सी लेते हैं और चेक करते हैं कि कोई आपकी माइलोमा मल्टीपल माइलोमा जैसी चीज तो नहीं डेवलप हुई हुई। सीटी स्कैन आपने कराना होता है कुछ रेलेवेंट जगह का, एब्डोमिनल करा लेते हैं, चेस्ट करा ले, हेड एंड नेक, यही कैंसर के लिए। ठीक है, क्योंकि सबसे कॉमनली मेलिग्नेंसी ही होती है जिसमें पैराथायरॉइड कम होता है। जब आपका डायग्नोसिस हो जाता है इन सबसे, फिर आपने मैनेजमेंट करनी है। अब जो आपके पास हाइपरकैल्सीमिया की मैनेजमेंट, उसमें सबसे पहले आपने एक तो कॉज आपने आइडेंटिफाई करनी है ना, उससे पहले अगर एक पेशेंट सवेर हाइपरकैल्सीमिया में आया, आपको पता चल गया कि उसकी ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा है, तो बिफोर दैट कि आप ये देखें कि उसमें प्रॉब्लम क्या, सबसे पहले आपकी जरूरी बात है कि आप उसके कैल्शियम को लो करें, क्योंकि बहुत सवेर इंक्रीज हाइपरकैल्सीमिया अगर होगा तो उससे पेशेंट की ड्राउजीनेस, कन्वर्जन वगैरह के चांसेस होते हैं और इवन हार्ट का सिस्टोलिक जो है अरेस्ट हो जाता है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हार्ट में भी कैल्शियम इज रिक्वायर्ड जो आपकी अप फेज होती है उसकी कॉन्ट्रैक्शन में, तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाता है आपका जो अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आईवी नॉर्मल सलाइन देना है 2 से 4 लीटर एक दिन में, क्योंकि हाल ही नॉर्मल सलाइन ये काम करते हैं कि यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज करते हैं और यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो बहुत सारा कैल्शियम उसके साथ ही बॉडी से निकल जाता है, तो अकेला ये भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है कि हम आईवी नॉर्मल सलाइन पेशेंट को बहुत सारा हाइड्रेट कर दें ताकि उसकी यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाए। फिर दूसरा काम हमने ये कर रहे हैं कि हमने फौरी तौर पे कैल्शियम को ब्लड से डिक्रीज कराना है। अब आपको याद होगा जब हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस होता था, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जिसमें बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है और बोन्स बहुत ज्यादा वो हो जाती है, डीमिनरलाइज हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में हम एक ड्रग इस्तेमाल करते होते थे जिसका नाम था बिसफॉस्फोनेट्स। बिसफॉस्फोनेट्स हमने पढ़ा था कि ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपकी बोन में कैल्शियम के रिजर्व को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा के बोन में लेके आती हैं ताकि बोन की रिजॉर्प्शन ना हो, बोन टूटे ना। ऑस्टियोपोरोसिस में हमने बड़ी इस्तेमाल की थी, यहां भी अब हम ये वाली ड्रग्स देंगे। ये हम क्यों देंगे, ताकि जितना एक्सेसिव कैल्शियम ब्लड में फिर रहा है वो सारा का सारा आके बोन्स में रिजॉर्व होता जाए, सॉरी बोन्स में आके एब्जॉर्ब हो जाए। बोन्स को तो कोई मसला नहीं होगा, इतना एक्सेसिव कभी भी नहीं हो सकता ये बोन को मसला हो रहा हो, बोन्स में वो आके स्टोर होता जाएगा तो ब्लड से उसका लेवल कम हो जाएगा। तो बिसफॉस्फोनेट्स बहुत जल्दी रिस्पॉन्स शो करते हैं, आपका तकरीबन पेशेंट 24 से 48 घंटे में आपको नजर आता है साफ साफ कि बहुत बेहतर हो रहा है और आपने 5-6 दिन तक बिसफॉस्फोनेट वाली ट्रीटमेंट हाई डोज पे कंटिन्यू रखनी होती है। ये जो दो ड्रग्स हैं दोनों बिसफॉस्फोनेट्स हैं, ज़ोलेड्रोनिक एसिड एंड पेमिड्रोनेट। ठीक है, ये आपकी बिसफॉस्फोनेट और ज़ोलेड्रोनिक एसिड की डोज होती है 4 मिलीग्राम। ठीक है, आईवी डोज से आपने देना होता है और इसकी होती है शायद 90 मिलीग्राम। ठीक है, आईवी से देना होता है, ये आप देते हैं, ये बिसफॉस्फोनेट्स होते हैं। उसके बाद आपको पता है कि एक और हार्मोन है, दैट इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हमारी बॉडी का नेचुरल हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है और उसका भी काम यही होता है कि उसने
ब्लड से कैल्शियम को बोन्स में ट्रांसफर करना होता है, तो हम बाहर से कैल्सिटोनिन की प्रेपरेशन देंगे पेशेंट को ताकि जितना भी कैल्शियम है वो बोन्स में चला जाए और ब्लड से निकले, और ये सारी चीजें पेशेंट का इमीडिएट रिलीफ करती हैं, उसकी जो कंडीशन है, जो उसके मसले उस वक्त उसे बने हुए बहुत सारे, वो सब ठीक हो जाते हैं। एंड देन जो आपकी कॉज होगी, अगर कोई ट्यूमर कॉज है, कोई मेलेग्नेंसी कॉज है, कोई एडिनोमा कॉज है, तो फिर आप उसको बाद में ट्रीट करेंगे। यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी को मसला है कि ना आस्क मी, थैंक यू।